आउटसाइडर्स को अपॉइंट किया गया था बच्चों को संभालने के लिए और स्नैक्स देने के लिए, जो पेरेंट्स को बताया नहीं गया था कि आउटसाइडर्स भी इन्वॉल्व है, और ये आउटसाइडर्स ने बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन किया है। क्योंकि सीपी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल का इतना बड़ा नाम था, वो आज 2-3 घंटे में बर्बाद हो गया। आपने पेरेंट्स को ब्लाइंड रखा है, आपने कॉन्सेंट फॉर्म में नहीं लिखा था कि आप एक आउटसाइडर वेंडर को हायर करने वाले हो। टीचर की हाजिरी में ये सब हुआ है। टीचर क्या कर रहे थे, बोल रहे हैं कि हम लोग सारे हम लोग मजे से बोल रहे हैं। यू हैव टू डिसाइड यू सीपी गोयनका इंटरनेशनल थाना स्कूल में जूनियर से लेके 9 तक एक भी बच्चा एंटर नहीं करेगा। कल रात को जब FIR फाइल करने गए थे, मैनेजमेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं था। पेरेंट्स वे इन द पुलिस स्टेशन टिल 3 इन द मॉर्निंग, बट कोई भी नहीं आया था फ्रॉम द स्कूल साइड। सब लोग को आह्वान करती हूँ, कोई भी किड्स इंडिया में मत जाओ, वहाँ पे बहुत सी गंदी बातें चालू है। भिवंडी की जनता की भारी डिमांड पर हैप्पी शॉप ने बढ़ाई अपनी फ्री पेट्रोल की स्कीम। अब हर 500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। हैप्पी शॉप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और वैरायटी के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, दवाई दिन आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं थाने कापुर बावड़ी सीपी गोयनका स्कूल में। मैं आपको बता दूं कि सीपी गोयनका स्कूल में यहाँ पे पेरेंट्स जमा हुए, क्योंकि कल 20 तारीख को स्कूल का पिकनिक गया था, और पिकनिक से लौटते वक्त पेरेंट्स का ये कहना है कि कुछ बच्चों के साथ में कुछ बच्चों को मोलेस्ट किया गया था बस के अंदर, और वो भी जो जिन्होंने मोलेस्ट किया था वो थर्ड पार्टी वेंडर था, जिन्होंने बच्चों को अप्रोप्रिएट तरीके इनअप्रोप्रिएट तरीके से मतलब गलत जगह पे हाथ लगाया था, और इसके लिए जो है यहाँ पे आज सारे पेरेंट्स जमा हुए हैं। अब पेरेंट्स का कहना यह है कि स्कूल वालों की ये गलती है कि उन्होंने ये बताया नहीं कि थर्ड पार्टी वेंडर जो है बच्चों को पिकनिक लेके जा रहा है। साथ ही साथ में जो कल्प्रिट जो अक्यूज़ था, अक्यूज़ के खिलाफ जब रात को मामला दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ में पोक्सो के तहत FIR दर्ज हुए, उस वक्त भी स्कूल का कोई स्टाफ या मैनेजमेंट का कोई आदमी वहाँ पे मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है काफ़ी आक्रोश में है। और अब यहाँ पे पेरेंट्स का कहना है कि जो टीचर्स उस वक्त बस में मौजूद थे, 40 बच्चों की बस थी, 40 बच्चे बस में थे, इसमें से 3 टीचर थे, और उनके रहने की मौजूदगी में जो है ये सारा हादसा हुआ है, इस तरह से जो है पेरेंट्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। और पेरेंट्स का ही कहना है कि ना टीचर्स ने उस वक्त रोका और ना ही किसी ने हेल्प की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने की। तो इस सारे मामले में जो है यहाँ पे अब टीचर्स के ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग यहाँ पे पेरेंट्स कर रहे हैं, और सुबह से यहाँ पे जो है काफ़ी हंगामा हुआ है, सारे पेरेंट्स जो है काफ़ी आक्रोश में है मैनेजमेंट के ऊपर, स्कूल स्टाफ के ऊपर। आइए सुनते हैं। आपने पेरेंट्स को ब्लाइंड रखा है, आपने कॉन्सेंट फॉर्म में नहीं लिखा था कि आप एक आउटसाइडर वेंडर को हायर करने वाले हो। यहाँ पर आपने हमको अंधेरे में रखा था। अगर आपने लिखा होता कि स्कूल के बाहर से वेंडर को हायर किया जा रहा है, तो शायद आज पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजते। बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, आई एम नॉट शाउटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, एज अ पेरेंट आई वॉन्ट टू नो कि हम सारे पेरेंट्स को कॉन्सेंट फॉर्म में आपने ये क्यों नहीं लिखा कि आउटसाइड वेंडर को हायर किया गया था।
We are dealing with this vendor for the last 20 years and we've never had any kind of a concern. I'm sure the vendor, let me talk. If you ask me a question, you listen. Please. Now, all I would say is that yes, there has been a flaw. We should have mentioned it separately that adventure tours are organizing this. Now, most of the time, when the children come back during the school hours from the field trip, we do send our own buses with CCTV cameras and our own staff members. But this time, we did send an outsourced vendor, and I'm sure they have all the verification documents and all of that, which we are sure to find out. So this is the requirement, and it is a lesson learned for us also. I agree. ये जो सारा सुबह से जो चल रहा है स्कूल के साथ में जो हंगामा चल रहा है, तो इसमें क्या कंक्लूजन? देखो, कंक्लूजन तो वो निकला है कि पहले से ही केस FIR दर्ज हुआ है, जो कल्प्रिट है उसको अंदर भी कर लिया है। बट पेरेंट्स लोगों की मांग थी कि केस स्कूल मैनेजमेंट पे भी उसके अगेंस्ट भी डाला जाए। इट्स अ फेलियर ऑफ अ स्कूल मैनेजमेंट, राइट? दे कुडंट कंट्रोल इट, तो एक मांग है। दूसरी है स्टूडेंट कमेटी की या पेरेंट्स लोगों की मांग। स्कूल अपोलोजाइज़? नो 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 नो, दे डिडंट एग्री अपॉन, लाइक दे मेड अ मिस्टेक। द वर्स्ट पार्ट इज ऐसे जो संवेदनशील जब बातें होती है तो एक तरीके से एक उसका हैंडल करने का तरीका अलग होता है। बट उस तरीके का तरीका प्रिंसिपल या CO या कोई भी उनकी फैकल्टीज़ हैं उसमें दिखा ही नहीं दिया है। अप्रोच एकदम कैजुअल था, एकदम कैजुअल अप्रोच था। और अब हम सबको पता है कि बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, करेक्ट? तो बॉडी लैंग्वेज से ना कुछ निकल के नहीं आ रहा था, बहुत ही। और उसी की वजह से पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा ये हो गए, इसी चीज़ें थोड़ा संवेदनाशील के हिसाब से थोड़ा हैंडल करते थे तो चीज़ें कंट्रोल में होती थी। बट आई एम रियली सैड। अभी फ़िलहाल क्या होगा? जो टीचर्स है उनको रेस्टिकेट किया जा रहा है या तो फिर टीचर्स के ऊपर मामला दर्ज हो रहा है, क्या? अभी तो मांग वही है कि उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए और सारी मैनेजमेंट कमेटी ने रिज़ाइन कर दिया जाए, देखते क्या होता है। तो बट एक संवेदनाशील से जो चीज़ें हैंडल करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, फिलहाल हम गोयनका स्कूल के अंदर है, तो हम थोड़ा सा इनसे पेरेंट्स हैं बहुत सारे यहाँ पे, तो हम उनसे बात करेंगे। बताइए, अब फाइनली क्या डिसाइड हुआ है, मतलब क्या कंक्लूजन निकल के आया सब? फाइनली तो अभी ये डिसाइड हुआ है, क्योंकि जो हादसा हुआ है स्कूल पिकनिक में वगैरह, तो अभी पेरेंट्स लोग और सारे मैनेजमेंट वगैरह जो PTA मेंबर्स हैं, उन्होंने यही डिसाइड किया है कि कल से हम लोग जब तक जस्टिस मिलता नहीं है, जब तक जो टीचर्स हैं उनको निकाल नहीं देते, ब्लैकलिस्ट नहीं कर देते, टर्मिनेट नहीं किया जाता, और जो अपने CEO है और जो स्कूल के प्रिंसिपल है, हमको उनका भी रेजिग्नेशन चाहिए, उनको भी टर्मिनेट करना, ये हमारा मोटो है। और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती तब तक हम हमारे किसी भी बच्चे को, लाइक 1 से 9 तक, बिकॉज 10th 12th की एग्ज़ाम चल रही है, तो वो लोग को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो 1st से 9th तक हम लोग किसी भी स्टूडेंट को स्कूल में नहीं भेजेंगे, जब तक सारे पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स बैठे आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको हमको जस्टिस चाहिए। कल से कोई बच्चा स्कूल नहीं, कल से कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो ये आप लोगों ने ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? नहीं, दूसरे पेरेंट्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, सर्कुलर होता है स्कूल का, जो कॉमन सर्कुलर होता है उसमें डाल देंगे। PTA मेंबर्स है जो हम लोग को, जो मैम है यहाँ पे, तो वो हम लोग को सपोर्ट कर रही है काफ़ी। तो वो मैम ने भी इनिशिएटिव लिया है कि मैं खुद सामने खड़ी रहूँगी और सारी चीज़ें करूँगी, तो मैम भी वो सर्कुलेट करेंगी, कॉमन सर्कुलर में डाल के सब करेंगे। मैम, कैन यू ब्रीफ के क्या लास्ट में जो कंक्लूजन निकल के क्या आया? नमस्कार। एक्चुअली कैसा है, सब जो सच बातें थी वो आज हम लोग को पता चली पेरेंट्स के मुँह से, क्योंकि CP गोयनका इंटरनेशनल स्कूल का इतना बड़ा नाम था वो आज 2-3 घंटे में बर्बाद हो गया। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ रहा है। अधिक यहाँ पे ये जब जो शोरगुल चालू था, तो अविनाश दादा और संजय भोईर दादा, ये दोनों समाजकारिणी करके हम लोग के यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। अधिक कमिश्नर मैडम जो है, उन्होंने अच्छी तरह हम लोग को बता दिया किस तरह हम लोग कायदे के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। उसके बाद जो यहाँ पे माहौल है वो बहुत गर्म है, बराबर है, क्योंकि देखो मैं पेरेंट्स हूँ, पालक हूँ। हम लोग 2.5 लाख फी CP गोयनका में भरते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है, हमारे बच्चे अच्छे हाथों में है। स्कूल से कल पिकनिक चलाई गई किड्जेनिया में, किड्जेनिया के अंदर जो बात हुई, गंदी बात, दो लड़कियां वॉशरूम जा रही थी,
वहाँ के जो किडजनिया के 2-3 जन है उन्होंने इतना गंदी तरह उनसे बात की है, हम लोग कभी बोल भी नहीं सकते। मैंने किडजनिया में यहाँ से सब लोग को आह्वान करती हूँ, कोई भी किडजनिया में मत जाओ, वहाँ पे बहुत सी गंदी बातें चालू है। बच्चियाँ मीन्स बच्चे बच्ची जब बस में बैठे थे वो लोग आ रहे थे, तभी आते वक्त ना स्नैक्स बांटते हैं, तो वेंडर जो है वेंडर का एक लड़का स्नैक्स बांट रहा था, वहाँ पे 3 लड़कियाँ बैठी थी, 3 लड़कियों को स्नैक्स देते वक्त वो इतना गंदी तरह बात कर रहा था, तभी वो लड़के तभी टीचर्स भी वहाँ पे जो बैठे थे 3 टीचर थे, 3 टीचर्स बस में थे, वो टीचर्स आगे बैठे थे। एक्चुअली टीचर्स को जब पराया वेंडर वहाँ पे बांट रहा है कुछ चीज़ें, तो वहाँ पे टीचर्स ने देखना चाहिए कि बाबा बराबर बांट रहा है। हाँ, तो 3 टीचर आगे बैठी थी, इसके लिए 3 टीचर को पता नहीं है क्या हुआ है एग्जैक्टली। बच्चियाँ मीन सब बच्चे और बच्चियाँ जब घर पे आ गए रात को, उन्होंने अपने मम्मी डैडी को बोल दिया एक्चुअल क्या हुआ। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट को कंप्लेंट की और बाद में रात को FIR दर्ज कर दिया। यहाँ पे 9 बजे हम लोग PTA मेंबर का मीटिंग बुलाया उन लोगों ने, 9 से 10 हम लोग को सीरियसली बोलती हूँ वी डिडंट नो एनीथिंग, क्योंकि मैनेजमेंट उन लोग का बात बोल रहा था, हम लोगों ने सिर्फ टीचर को देखा। और बाद में जब सब पेरेंट्स आ गए और पूरा जो सच बात जो सुनाई दिया हम लोग को 2 घंटा में, इट्स हॉरिबल, क्योंकि अभी हम लोग कौन से हिसाब से बच्चों को यहाँ पे भेजे। फाइनली आप लोग ने क्या डिसाइड किया, बच्चे आएंगे निकल से? हाँ, तो कैसा है, बहुत सी बातें पहले की भी सीपी गोयनका की अंदर जो हुआ था स्टूडेंट के साथ वो हम लोग को आज पता चली है। तो हम लोगों ने सब लोगों ने माने पालक माने हम लोग PTA मेंबर अधिक पालक जो है, हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जब तक हम लोगों ने जो उनको बोला है मांगनी की है वो जब तक पूरी नहीं होती, हम लोग किसी बच्चे को कल से सीपी गोयनका में एंट्री नहीं करने देंगे। लेकिन आज से ICSE बोर्ड का 10वीं का एग्ज़ाम चालू है, तो हम लोग 10वीं के बच्चों को बिल्कुल अड़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनका लाइफ का ये है प्रश्न है। बच्चे वो लोग जाएंगे एग्ज़ाम के टाइम, वो लोग देते रहेंगे, लेकिन कल से सीपी गोयनका इंटरनेशनल थाना स्कूल में जूनियर से लेके 9 तक एक भी बच्चा एंटर नहीं करेगा, उसकी दखल हम लोग लेंगे। तो सब लोग को वही आह्वान है सीपी गोयनका इंटरनेशनल थाना को, किसी भी लड़का या लड़की को स्कूल में मत भेजो जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती। स्कूल में ऐसा हुआ था कि कल स्कूल की पिकनिक किडजेनिया गई थी, वहाँ पे सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे लोग थे, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया, गलत तरीके से हाथ लगाया गया, गलत तरीके से उनसे बातें की गई जो छोटे बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। और जब बच्चे रिटर्न आए तो उन्होंने उनके मम्मी और फादर से बात की और उनको बताया कि हमारे साथ ये हुआ है। सो उन्होंने टीचर को बताया, लेकिन टीचर ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर सब पेरेंट्स एक होके जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर की, जो आरोपी है उसको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, लेकिन जिन टीचर ने ये सब दबाने की कोशिश की उनके ऊपर भी गुना रजिस्टर होना चाहिए, उनके ऊपर भी FIR होनी चाहिए, ऐसे इन लोगों की मांग है। और मुझे लगता है कि ये सही मांग है, अगर स्कूल के टीचर ही ये सब दबाएंगे तो फिर हम उनके ही भरोसे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, पिकनिक के उनके ही भरोसे पिकनिक पे भेजा गया था। तो जब तक इन सब के ऊपर कार्रवाई होती नहीं है तब तक पेरेंट भी चुप नहीं बैठेंगे। मेरे साथ थाना के ज्येष्ठ नगर सेवक संजय भोईर जी है, वो और हम मिलके उन पेरेंट्स लोगों के साथ खड़े हैं। याच्यामध्ये असं आहे की जो कालचा प्रकार झालेला आहे ज्या ठिकाणी दुसरी आणि तिसरीच्या विद्यार्थ्यांची जी पिकनिक त्या ठिकाणी ऑर्गनाइज करण्यात आली होती CP गोयनकाच्या माध्यमातून, आणि ही गोयनकाच्या माध्यमातून जी पिकनिक अरेंज केली होती ती जी मॅनेजमेंट जी कंपनी त्या ठिकाणी होती त्या कंपनीचं एक डायरेक्टर आणि त्यांचे जे कर्मचारी त्या ठिकाणी आहेत त्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जी वाईट घटना त्या ठिकाणी घडलेली आहे की त्या ह्याच्यातनं मुलांना आणि मुलींना त्या ठिकाणी चुकीच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी हात लावणं किंवा बाकीच्या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी आहेत या सर्व गोष्टी केलेल्या त्याच्यावरती फोक्सो अंतर्गत त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल झालेला आहे। तरीही त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचं त्या ठिकाणी म्हणणं असं होतं की त्याबरोबर जे शिक्षक त्या ठिकाणी होते ते शिक्षकांवरतीही त्या ठिकाणी कारवाई होणं गरजेचं आहे। म्हणून आम्ही त्या ट्रस्टीच्या बरोबर त्या ठिकाणी बोललो आणि त्या ट्रस्टीच्या बरोबर बोलल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब ते जे शिक्षक जे होते त्यांना टर्मिनेट त्या ठिकाणी केलेलं आहे, ते पत्रही त्या ठिकाणी आहे। आणि ते शिक्षकांचे टर्मिनेट झाल्यानंतर त्यांचा जो CO आणि त्यांचे प्रिन्सिपल त्यांच्यावरती त्या ठिकाणी पालकांनी गुन्हा दाखल करण्याच्या संदर्भात जी मागणी केलेली आहे
आणि हे दोन तीन मुद्दे आहेत, त्या मुद्द्यांवरती त्या ठिकाणी आम्ही रायटिंगमध्ये त्यांना पत्रही त्या ठिकाणी देतो आणि त्या ह्याच्यातनं आम्ही त्याच्यावरती कारवाई करण्याच्या संदर्भात जो निर्णय त्या ठिकाणी पालकांचा आहे, तसंच त्या पालकांच्या बरोबर आम्ही मी असे नवीनच यादव असतील सर्वच मंडळी त्या ठिकाणी आहोत आम्ही, ते पालकांच्या बरोबर आहोत आणि विद्यार्थ्यांच्या बरोबर आहोत. कुठेही असं गोयंकाला त्या ठिकाणी पाठिंबा देण्यासाठी आलेलो नाही, पालकांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही सर्वच आलेलो आहोत. पोलीस बांधवही त्या ठिकाणी आहेत, पोलिसांनी पोलिसांचं काम केलेलं आहे. आणखी त्याच्यावरती हे जी इन्क्वायरी त्या ठिकाणी बसवलेलं आहे, ते दोषी आढळले तर त्यांच्यावरती त्या ठिकाणी कारवाईची मागणी केलेली आहे. शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या बरोबर आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा करतो आहे आणि त्यांनाही पत्र त्या ठिकाणी देतो आणि त्याच्याबरोबर त्या ठिकाणी स्कूलवरती कारवाई त्या ठिकाणी. मॅडम बताएंगे आज क्या हुआ सीपी गोयंका स्कूल में, थोड़ा सा डिटेल में जानकारी देंगे. स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ है, एक केस हुआ है जो पिकनिक के वक्त हुआ था. आई विल बी वेरी ब्लंट, इट वॉज अ मोलेस्टेशन केस. जो स्कूल डिनाई कर रही है, स्कूल बस में दो डिवीजन के बच्चे थे, अराउंड 40 किड्स, दे वे थ्री टीचर्स एंड आउटसाइडर्स को अपॉइंट किया गया था बच्चों को संभालने के लिए और स्नैक्स देने के लिए, जो पेरेंट्स को बताया नहीं गया था कि आउटसाइडर्स भी इन्वॉल्व है. और ये आउटसाइडर्स ने बच्चों के साथ मोलेस्टेशन किया है, एक नहीं बट 8 से 10 बच्चे हैं, विच इंक्लूड्स गर्ल्स एंड बॉयज़. टीचर की हाजिरी में बस में ये हुआ है एंड टीचर्स आर सेइंग हमको पता ही नहीं है. मैनेजमेंट जब हम पुलिस कंप्लेन कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो डिनाई कर रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं. 8 से 10 बच्चे झूठ नहीं बोल सकते. बच्चों ने टीचर्स को कंप्लेन किया? बच्चों ने टीचर्स को नहीं, जैसे ही बस से उतरे हैं बच्चों ने इमीडिएटली अपने पेरेंट को कंप्लेन किया है कि मेरे साथ ऐसे हुआ है. कल रात को जब FIR फाइल करने गए थे, मैनेजमेंट वहाँ प्रेजेंट नहीं था. पेरेंट्स वे इन द पुलिस स्टेशन टिल 3 in the morning, बट कोई भी नहीं आया था फ्रॉम द स्कूल साइड टू बी प्रेजेंट और रिप्रेजेंट कि हमने ऐसा कुछ नहीं हुआ. वॉट एवर दे वॉन्ट टू से, स्कूल नहीं आया था. दे हैव पुट द ब्लेम कम्प्लीटली ऑन द थर्ड पार्टी. नाउ स्कूल ने एक्सेप्ट किया है हमारे सामने के थर्ड पार्टी उनकी गलती थी. दे हैड टू इन्फॉर्म अस कि उन्होंने थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया है हमें. कंसेंट फॉर्म पे थर्ड पार्टी का मेंशन नहीं, उन्होंने कंसेंट फॉर्म में बिल्कुल मेंशन नहीं किया था कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इस ट्रिप में. सो हमको वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बाहर के लोग आ रहे हैं, स्पेशली मेल आ रहे हैं. पूरे थर्ड पार्टी के जो लोग थे सब मेन थे एंड वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. मतलब ये सुबह से जो आप लोग स्कूल में जमा हुए पेरेंट्स वगैरह, तो इसका क्या सोल्यूशन निकल गया? आप लोगों की क्या डिमांड्स थी? हमारी डिमांड्स थी वन के सब टीचर्स जो इन्वॉल्व है हु आर नॉट अपोलोजेटिक, शी सेज दैट शी स्टिल नॉट अवेयर कि क्या हुआ था, उसको नहीं पता है, शी शुड रिजाइन फर्स्ट एंड द अदर टीचर्स हु वर इन द बस दे हैव टू रिजाइन. अलॉन्ग साइड हमको मैनेजमेंट का रेजिग्नेशन चाहिए क्योंकि उनका भी बहुत लैक लक्चरस एटीट्यूड है. दे आर सेइंग के आधे टाइम उन्होंने हमें पुलिस को बोला है हमारे सामने कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये कुछ भी बोल रहे हैं जो गलत है. पेरेंट्स एक रीज़न की वजह से यहाँ आए, एक दो नहीं बड़ी तादाद में पेरेंट्स आए, सो एक रीज़न है जिसके लिए पेरेंट्स आए. तो हम झूठ नहीं बोलते, बच्चे झूठ नहीं बोलते. तो हमको पेरेंट्स हमको टीचर्स एंड मैनेजमेंट का रेजिग्नेशन चाहिए. प्लस सिर्फ कल्प्रिट के अगेंस्ट FIR नहीं बट मैनेजमेंट एंड टीचर्स के अगेंस्ट भी FIR चाहिए. तो दोस्तों यहाँ पे देखा आपने अविनाश यादव MNS नेता, उन्होंने मदस्थी करके जो है इस मामले को आगे लेके गए हैं और हमने कोशिश की स्कूल मैनेजमेंट से बात करने की, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं है. कोशिश करेंगे हम दोबारा उनसे अप्रोच करने की, अगर वो लोग अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे.